नमस्कार दोस्तों, रोनो पी के एसएसओ क्लासेस, पी के एसएसओ क्लासेस में आपका स्वागत। दोस्तों बात करें 69 शिक्षक भर्ती में 1133 सीटों की लड़ाई जारी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एसटी कैंडिडेट की जो 1133 सीटें बची है उसमें जो है एससी कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं कि इसमें जो है इन एसटी कैंडिडेट के जो सीट बची है 1133 उसमें एससी लोगों के जो है वहाँ पर आवंटित कर दिया जाए जिला कोर्ट जाने की तैयारी चले। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पता चल रहा है कि 1133 सीटों पे जो है एससी वालों को उसमें सिलेक्शन देने के लिए जो है कोर्ट जाने की उम्मीद की जा रही है। जहाँ तक उम्मीद लगता है कि हो सकता है तो कल जो है रिट फाइल कर दिया जाए। शिक्षा मंत्री ने दोस्तों बयान दिया है अपना, और उन्होंने साफ साफ मना किया है कि जो 1133 सीट बाकी है वो केवल व केवल एसटी कैंडिडेट के लिए है, यानी कि वो सीट में रिजर्वेशन एसटी कैंडिडेट का है, उसको अब नहीं भरा जाएगा क्योंकि जो है योग्य एसटी कैंडिडेट उसमें नहीं मिल पाए हैं। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने बताया है, बयान जारी किया है कि सेकंड काउंसलिंग का आदेश उन्होंने दिया है कि जी हाँ सेकंड काउंसलिंग होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि सेकंड काउंसलिंग श्योर है, 100% श्योर था कि होगी। जैसे कि मान लीजिए कुछ कैंडिडेट वहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, भाग नहीं ले पाते हैं, तो वो जो सीट उनकी बचेगी उनके स्थान पर जो है सेकेंड काउंसलिंग यानी सेकेंड लोगों को जो है चांसेस मिलेगा। दोस्तों ये न्यूज़ आ रही है, 1133 सीटों की बड़ी लड़ाई चल रही है एससी कैंडिडेट में कि उनको जो है इन सीटों पे सिलेक्शन दे दिया जाए। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है कि रिजर्वेशन का मामला है, यानी कि एससी सीटों पे एसटी सीट के कैंडिडेट नहीं जा सकते, या एसटी सीट पे जो है एससी कैंडिडेट या ओबीसी या जनरल नहीं जा सकते। और जैसा कि आपको पहले ही पता है कि मान लीजिए कोई फीमेल कैंडिडेट का जो है सीट है तो उसमें जो है मेल कैंडिडेट नहीं जा सकते, चाहे वो फीमेल कैंडिडेट की सीट खाली क्यों ना चली जाए। तो अब ये देखना है कि कोर्ट जाने की तैयारी चल रही है कि क्या कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट से राहत मिल सकती है या नहीं मिल सकती। शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने साफ साफ बोल दिया है 1133 सीटों पर जो है केवल वो केवल एसटी कैंडिडेट का रिजर्वेशन था, उनमें एससी कैंडिडेट को नहीं लिया जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि 1133 सीट जो है खाली चली जाएगी। बचे जो सीटों पे यदि मान लीजिए कैंडिडेट फुल नहीं हो पाते हैं, काउंसलिंग नहीं करा पाते हैं, तो उनके स्थान पे जो है सेकंड काउंसलिंग यानी कि दूसरे कैंडिडेट को उसमें जो है उनको मिलेगा, चांस मिलेगा, यानी सेकंड काउंसलिंग होगी। 1 से 2 नंबर जो कैंडिडेट रह गए हैं उनको पूरी पूरी उम्मीद की जा रही है, आप लोग चिंता ना कीजिएगा। 1 से 2 कैंडिडेट, 1 से 2 नंबर वाले जो हैं कैंडिडेट अभी चिंता मत कीजिएगा, उनको अभी चांसेस हो सकता है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मैं एक आदेश निकाल रहा हूँ, यहाँ पे आपको पीएनपी द्वारा जो है यहाँ पे एक आदेश मिला हुआ था, देख सकते हैं इस पीडीएफ में। इसमें तीसरे नंबर पे साफ साफ लिखा गया था कि यदि उपधारा 2 में निर्देश तीसरी ऐसी भर्ती में अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने हेतु उपलब्ध न हो, तो ऐसी स्थिति में जो है ऐसी रिक्तियों में अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों को भरी जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसी बेस पे जो है कैंडिडेट यहाँ पे कोर्ट जाने की तैयारी चले। जी हाँ दोस्तों, यही इनको बेस मिला हुआ है कि यदि देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि एसटी सीट है उसमें यदि उपयुक्त यानी कि अच्छे जो है कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं तो इनके स्थान पे जो है एससी कैंडिडेट को लिया जा सकता है। उम्मीद ये की जा रही है कि इसी जो है ये जो आदेश आया है, जो पीडीएफ आई है, इसी पीडीएफ को उन्होंने जो है कोर्ट में लगाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है कि अंतिम कट ऑफ जो है जनरल का 67.1, ओबीसी का 66.7 और एससी कैंडिडेट का 61.5 है। तो इनमें से दोस्तों आपका यदि 1 से 2 नंबर रह गए हैं, यानी आप 1 से 2 नंबर तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, यानी कि जनरल यदि मान लीजिए किसी का 65 है, ओबीसी का 64 है और एससी कैंडिडेट का 59 के आसपास है, तो उनके चांसेस है सेकेंड काउंसलिंग में। तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, सेकेंड काउंसलिंग श्योर होगी और जल्द ही सेकेंड काउंसलिंग होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद, लाइक से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। इसी प्रकार से आपको 69 शिक्षक भर्ती से जो भी अपडेट आएगा सही और सटीक जानकारी मैं आपको दे दूंगा। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।